हमारी गाड़ी बुक करने का एक दूसरा फायदा ये भी है कि आपको टॉप गाड़ी मिलेगी, नीचे मॉडल की गाड़ी नहीं मिलेगी। जितने भी ट्रैवल्स लाइन की गाड़ियां हैं, जितनी भी, चाहे क्रिस्टा ले लो, अर्टिगा ले लो, हाईक्रॉस ले लो, या कार्निवल ले लो, या BMW ले लो, कोई भी गाड़ी, हर ट्रैवल्स वाले गाड़ी टॉप एंड वेरिएंट नहीं लेते हैं। आज की ड्यूटी पर 3 गाड़ी बुक हुई है, उसमें से एक है किया कार्निवल लिमोजिन प्लस, एक है ये BMW एम स्पोर्ट, और एक दूसरी है इनोवा हाईक्रॉस। वो दोनों गाड़ी होटल के अंदर पार्किंग में खड़ी है, और अभी हम लोग हैं जुहू के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत दिन से मैं ड्यूटी पे भी नहीं निकल पा रहा था, सीज़न थोड़ा टाइट चल रहा है, तो आज ऐसा टाइम आया कि ड्राइवर ही अवेलेबल नहीं थे, और कुछ गाड़ी हमने बाहर से बुलाई और कुछ गाड़ी हमारी कंपनी की, और उसमें ड्राइवर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि हमारी गाड़ी जो होती है हमारी जो गाड़ियाँ हैं 15-16 के आसपास पहुँच चुकी है, और ड्राइवर हमारे पास फिक्स पे वो 10 है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारी गाड़ियों की बुकिंग एक साथ आ जाती है, तो मुझे भी निकलना पड़ता है, और हो सकता है तो इरशाद भाई भी खुद निकले। आज इरशाद भाई भी खुद बुकिंग पे निकले, मैं भी निकला हूँ, तो सोचा आज मैं वीडियो बना दूँ। और आवाज़ थोड़ा सा मेरा खोखला आ रहा है, इसलिए कि मेरे को 2 दिन से थोड़ा फीवर था और सर्दी खांसी की वजह से आवाज़ बैठ गया था, तो आज थोड़ा सा आवाज़ मेरा खुला है। तो आज बताना चाहता हूँ कि आज क्या सर्विस है और हमारी आज की क्या ड्यूटी है, और बहुत VIP गेस्ट है आज की ड्यूटी पे, और बहुत पॉच की हस्ती है, बहुत फेमस भी है। हमारी सर्विस में जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो सारे यूनिफॉर्म और ड्रेस में होते हैं। तो ये हमारे भाई हैं, ये आज की BMW ये भाई लेके आए हैं, ये भी यूनिफॉर्म में है, शूज़ वूज सब कंप्लीट होता है हमारे सारे ड्राइवर्स के। गाड़ी की कंडीशन भी आप लोगों को तो पता ही है, सारी गाड़ियों के प्रॉपर एक एक वीडियो बना के मैं डाला हूँ, सब आप लोगों को पता ही है, गाड़ी की कंडीशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी दो गाड़ी, आज की ड्यूटी पर 3 गाड़ी बुक हुई है, उसमें से एक है किया कार्निवल लिमोजिन प्लस, एक है ये BMW एम स्पोर्ट, और एक दूसरी है इनोवा हाईक्रॉस। वो दोनों गाड़ी होटल के अंदर पार्किंग में खड़ी है, और अभी हम लोग हैं जुहू के सन एंड सैन होटल के पार्किंग में खड़े हैं। एक गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में है, 2 गाड़ी अंदर है, तो दोनों गाड़ी अंदर जाके भी मैं बताऊंगा, दोनों गाड़ी की कंडीशन भी दिखाऊंगा। बहुत दिन हो गए, तो आपको कंडीशन सेम, जो गाड़ी डिलीवरी लिया था सेम वही कंडीशन अभी भी हमने मेंटेन रखा है। तो मैं भी जब ड्यूटी पे जाता हूँ तो प्रॉपर ड्रेस में जाता हूँ, और हमारे और एक ड्राइवर बाहर घूम रहे हैं शब्बीर भाई, वो लेकर आए इनोवा हाईक्रॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। और आज के जो क्लाइंट है वो बहुत बड़े मंत्री हैं, और उन्होंने अपना नाम, उनकी परमिशन से मैं लूँगा, अगर वो बोलेंगे तो उनको वीडियो में भी लूँगा, अगर परमिशन नहीं दिया तो नहीं ले सकूँगा। तो बस आपको तो सर्विस दिखाना मकसूद है हमारा, तो आप अभी दूसरी बात, 2 गाड़ी खड़ी है उसका भी मैं वीडियो बना के डालता हूँ। ये होटल सन एंड सैंड की पार्किंग में अपनी खड़ी है किया कार्निवल ये वाली, और तो अभी हम लोग है किया की कार्निवल गाड़ी में, लिमोजिन प्लस जो टॉप मॉडल हमारे पास है, वीडियो में बहुत सी, मतलब आप देख चुके हो, डबल सनरूफ है और एक पीछे सनरूफ, वैसे ऑटोमेटिक है, बटन से भी होता है। और ये हमारे बाजू में बैठे हैं हमारे और सबके फेवरेट शब्बीर भाई, ये हमारे हमारी कंपनी के सबसे फेवरेट ड्राइवर है, क्योंकि ये जो भी ड्यूटी पे जाते हैं ना, दूसरी मदा कस्टमर वही बोलते हैं कि शब्बीर भाई ही चाहिए, वरना ड्यूटी कैंसिल। तो अभी सोच रहे हैं कि सब लोग बोलते हैं कि दुनिया में एक जैसे इंसान के 7 कॉपी होते हैं, तो 7ों को हम पकड़ रहे हैं जमा जमा करके, ताकि अगर किसी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाए तो उनके जगह पे उनको भेज दे रहे। तो हमारे ये भाई भी एकदम ड्रेस में रहते हैं, पावरफुल, एकदम मस्त, शूज़ वूज सब कम्प्लीट, सारे ड्राइवर एकदम ड्रेस में रहते हैं। और दूसरी जो गाड़ी है ये शब्बीर भाई जो लेके आए, वो हाईक्रॉस सामने खड़ी है, मैं कैमरा आगे करता हूँ, और ये सामने खड़ी हाईक्रॉस, ऐसे इतना पावरफुल कैमरा नहीं है जितना दिखे 6605 नंबर। इनको मैंने बोला कि यहाँ पे जगह है, यहाँ पर लगा दो, लेकिन इनको बोले नहीं, मेरे को धूप नहीं चाहिए, उनको चाहिए छाव, तो उन्होंने छाव में लगाया है। आज जो गाड़ी बुक किया है कस्टमर ने, उन्होंने 3 गाड़ी 3 दिन कंटिन्यूस बुक किया है 3 दिन के लिए। आज सेकंड है, कल भी मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन
टाइम भी नहीं मिला और बहुत बिजी डे था, कस्टमर का भी और हमारा भी बिल्कुल कंटिन्यूस रनिंग हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे को वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। और आज होटल सन एंड सैंड होटल पे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं बोला आज वीडियो बना लेते शब्बीर भाई के साथ। ये दूसरी गाड़ी का मैं तुमको दिखाता हूँ, इसका जो सनरूफ है ना बहुत लंबा है, बहुत बढ़िया है और ये गाड़ी इतनी स्मूथ है कि चालू करूँगा तो आवाज़ तक नहीं आएगा। मैं चालू कर रहा हूँ, ये चालू हो गई, कुछ आवाज़ नहीं, कुछ वाइब्रेशन नहीं, पता ही नहीं चलता है गाड़ी चालू हुई या नहीं। अभी मैं थ्रॉटल देता हूँ तो थ्रॉटल भी नहीं लगेगा, देखो नहीं लगता ये, क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है और ये गाड़ी पर ज़्यादातर सारी बुकिंग इनके पास ही रहती है। ये गाड़ी हर अभी हम लोग ने हर गाड़ी पे ड्राइवर फिक्स कर दिया है, तो ये गाड़ी पे शब्बीर भाई रहते हैं, कभी ऐसा इमरजेंसी हुआ तो गाड़ी चेंज होती है, बाकी ज़्यादातर ये गाड़ी इनके पास ही फिक्स रहती है। अब मैं आपको सनरूफ दिखाता हूँ, ये सनरूफ ओपन हो रहा है, हाई क्रॉस है और इसमें दिया है हाई क्रॉस में भी कार्निवल की तरह थाई सपोर्ट दिया है और वेंटिलेटर सीट है, कार्निवल में भी वेंटिलेटर सीट है और कैप्टन सीट है और इसमें स्पेस बहुत अच्छा है और इससे ज़्यादा स्पेस तो कार्निवल में, ऑब्वियसली वो कार्निवल लिमोजिन गाड़ी है तो उसमें ज़्यादा ही होगा, इसका भी स्पेस बढ़िया है। और अभी शब्बीर भाई से पूछते हैं कुछ सवाल। शब्बीर भाई ये गाड़ी तुमने कितनी भगाई है? ये गाड़ी मैं अभी वो सच नहीं बोलेंगे, पता है इरशाद भाई वीडियो देखते हैं। नहीं नहीं, 140 की स्पीड में लास्ट लेके गया, 140 की स्पीड में लास्ट भगाई है और अभी समृद्धि हवे, समृद्धि नया बना है, घोटी टू नागपुर 6 घंटे में पहुंच जाएंगे आप, घोटी टू नागपुर 550 किलोमीटर 6 घंटे। और 140 से ज्यादा कोई गाड़ी चलाई है? हां चलाई है, मगर अभी 160 देखो गाड़ी चालू ही अभी, अभी अब तक बैटरी पे थी, अब मेरे को फील हुआ वाइब्रेशन हुआ तो अभी लग रहा है कि गाड़ी चालू है, अब तक वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं था। और इसमें सिस्टम ऐसा है कि थोड़ी देर बैटरी पे रहती है फिर थोड़ी देर ऑटोमेटिक वो पेट्रोल पे आ जाती है, तो ये ZX-O टॉप एंड वेरियंट है हाईक्रॉस का। अब हाईक्रॉस आप लोग बुक करते हैं ना, देखो मैं कुछ चीज़ें मैं आपको मोटी मोटी गिना देता हूँ कि कार्निवल भी मार्केट में मिलती है, हाईक्रॉस भी मार्केट में मिलती है, दूसरों की हाईक्रॉस हमारे हाईक्रॉस में फ़र्क ये है कि जितने भी ट्रैवल्स लाइन की गाड़ियाँ हैं, जितनी भी, चाहे क्रिस्टा ले लो, अर्टिगा ले लो, हाईक्रॉस ले लो या कार्निवल ले लो या BMW ले लो, कोई भी गाड़ी, हर ट्रैवल्स वाले गाड़ी टॉप एंड वेरियंट नहीं लेते हैं। और हमारी जितनी भी गाड़ी है आपने नोट किया होगा कि सारी गाड़ी टॉप एंड वेरियंट है, सारी गाड़ी। आप कार्निवल भी देखोगे तो कार्निवल भी लिमोजिन प्लस है, जो सबसे स्टार्टेड जब सबसे नीचा मॉडल आता है कार्निवल का वो आता है 33 लाख का, उसके बाद आता है 36 लाख का, उसके बाद आता है 42 लाख का समथिंग आता है और 46 लाख का समथिंग, 44 के समथिंग कुछ आता है, जो टॉप एंड वेरिएंट है वही हमारी है। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल है ये हाईक्रॉस का, तो हाईक्रॉस का फर्स्ट मॉडल आता है जी मॉडल, वो आता है 21 लाख का और टॉप वेरियंट ये, और ये टॉप एंड वेरियंट है वो 38 लाख का, तो ये 38 लाख का है तो ऑलमोस्ट डबल रेट हो जाता है, लेकिन रेंट पे आपका रेट नहीं बढ़ता है, जो रेट आप जी मॉडल और 21 लाख की गाड़ी को रेट देते हो वही रेट हमारा है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो हमारी गाड़ी बुक करने का एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आपको टॉप गाड़ी मिलेगी, नीचे मॉडल की गाड़ी नहीं मिलेगी। क्रिस्टा भी देख लो तो क्रिस्टा भी आपकी वीडियो में आपने देखा जेड मॉडल और ऑटोमेटिक और टॉप और 2.8 का इंजन है, ये भी टॉप गाड़ी है, क्योंकि क्रिस्टा का सबसे फर्स्ट मॉडल जो है वो 20 लाख समथिंग आता है, जी मॉडल में आता है, पेट्रोल में और मैनुअल में आता है। जो जिन लोग को गाड़ी का इन्फॉर्मेशन होगा, गाड़ियों का नॉलेज होगा, उन लोग को अच्छे से पता होगा कि कितना डिफरेंस है। और मेरी जो गाड़ी है जेड मॉडल और ऑटोमेटिक टॉप, वो आती है 34 लाख की, तो कितना डिफरेंस हो रहा है। तो आपका जो पैसा वर्थ, बिल्कुल वर्थ जाने वाला है, और इसमें कोई आपको आपके पैसा लेकर आपसे आपकी हार्ड अर्निंग की मनी लेकर हम आपको चीज़ भी वैसे देते हैं। तो हमारी सारी गाड़ियाँ आपने देख लिया टॉप एंड वेरिएंट होती है। और BMW भी मैं बताना भूल गया, BMW में भी 5 सीरीज में 2 मॉडल आते हैं, 5 सीरीज एम स्पोर्ट, तो हमारा है एम स्पोर्ट, 10 लाख का फर्क है दोनों में, 10 लाख का। अगर नई लेने जाओगे तो 20-25 लाख का फर्क है, सेकेंड हैंड लोगे तो 10-12 लाख का डिफरेंट रहता है। तो
हमारा भी BMW M Sport है, और ऐसा भी नहीं कि हमने कोई किट लगाई है M Sport की, वो ओरिजिनल गाड़ी है। आप उसके नंबर को कार इन्फो पे मार के देख लीजिए, वो M Sport ही है। तो जो है वो सामने दिखा कर बेचते हैं, ऐसा कोई फ्रॉड वाला सिस्टम हमारा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आज का वीडियो इधर ही क्लीन कर दे, ख़त्म कर दे, क्योंकि क्लाइंट तो अभी तक आए नहीं है। अगर क्लाइंट ने परमिशन दिया तो उनका वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, अगर परमिशन नहीं दिया तो वीडियो यहाँ पर ही एंड होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।